तो आज की कहानी उस अंडररेटेड डायरेक्टर की है जिसकी फिल्म देख के सब तालियां तो बजाते हैं लेकिन शायद उसे कोई जानता नहीं है। वो डायरेक्टर है मेरे पापा और उनकी फिल्म हूँ मैं, जो कि आज आपको ये कहानी सुनाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है उस चिट्ठी से जो मेरे कॉलेज से, या मैं कहूँ कि होने वाले कॉलेज से आई है, जिसमें लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मिश्रा, योर सन हैज़ बीन सेलेक्टेड टू आर कॉलेज फॉर द बीटेक एडमिशन। मैं और मेरे साथ साथ सभी घर वाले बहुत ही खुश थे। अरे मोहल्ले का पहला लड़का था जो इंजीनियर बनने जा रहा था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खुश था मैं, क्योंकि मैं उस जेल से निकलने जा रहा था जिसका जेलर यार मुझे बहुत मारता था। हाँ, तो ट्रेन की टिकट हो चुकी थी, टिकट की डेट उस दिन मैंने 3 जगह से मिला के देखी। एक बार कैलेंडर से मिलाई, एक बार मोबाइल से मिला के देखी, और एक बार वो टीवी न्यूज़ के जो नीचे आती है ना डेट, वहाँ से भी मिलाई। उस दिन मैंने रेलवे हेल्पलाइन पे 2 बार फ़ोन करा, वो भी मुझसे रूठ चुके थे, परेशान हो चुके थे, कहते हाँ सर जी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 9:30 पर हरदोई स्टेशन पे आ जाएगी, आप भी पहुंच जाइएगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो घड़ी आ गई। घड़ी में 8:30 हो चुके हैं, रास्ते के लिए आलू पूड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इन सब खुशियों के बीच मुझे सुबह से अपने जेलर साहब नहीं दिखे थे। वो दिखे सीधा 8:30। बहुत कुछ अटपटा सा लग रहा था उस वक्त, तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, अपना ब्योमकेश बख्शी वाला दिमाग दौड़ाया, और पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि उन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैंने उन्हीं को उन्हीं के बर्थडे पर उनके पैसों से ही दिए हैं, और साथ में उन्होंने मेरे पसंदीदा ब्लैक कैजुअल्स भी पहने हुए हैं, और अपनी पल्सर बाइक के साथ खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सबको बाय कहा, सबके पैर छुए, और उनके कंधे का सहारा लेकर उनके पीछे बैठ गया। वो क्या है ना, आज भी जेलर साहब मुझे गिरने से बचा लेते हैं। बाइक स्टार्ट हुई, ऐसा लग रहा था मानो पूरी हरदोई सो सी गई हो। इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं सुना था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था, और बार बार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि पापा मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, अरे छोड़ो ब्योमकेश, ये सब छोड़ो, कल के बारे में सोचो, दिल्ली के बारे में सोचो, वहाँ जाके क्या तहलका मचाना है। आखिरकार रास्ता ख़त्म हुआ, मैं स्टेशन पहुँचा। मैंने वहाँ देखा, वहाँ सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म है। कुछ अटपटा सा लगा। मैंने वहाँ फिर एक चीज़ सोची कि इन छोटे शहरों में इतने प्लेटफॉर्म कम क्यों होते हैं। फिर मुझे पता लगा कि उस शहर को या उस स्टेशन को भी पता है कि यहाँ से जो जा रहा है वो शायद वापस नहीं आ पा रहा है। हम टाइम पास करने के लिए प्लेटफॉर्म पे टहलने लगे। उस दिन इतना सन्नाटा सा हो गया था कि मुझे लगा कि एके अंगल को बुला ही लेना चाहिए, वो शोले का आगे डायलॉग मार जाएंगे, भैया इतना सन्नाटा क्यों है। हम कई बातें कर सकते थे, हम पटरियों की बातें कर सकते थे, हम ट्रेनों की बातें कर सकते थे, हम मौसम की बातें कर सकते थे, हम यूपी में बिगड़ते हालातों की बातें कर सकते थे, लेकिन क्या है ना, वो एक ही समय पर 2 लोग एक ही तरह की पहल करें, ये शायद बहुत मुश्किल सा है। मैं बार बार घड़ी को निहार रहा था, अब 9:15 हो चुके थे। तभी मैंने सन्नाटे में थोड़ा शोर पैदा करने के लिए एक मजाक से बोला, पापा अब बहुत मिस करोगे ना मुझे। पापा कुछ कहने ही वाले थे तभी पीछे से अनाउंसमेंट वाली आंटी ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, टिंग टिंग टिंग, गाड़ी संख्या 14,257 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। हम तुरंत ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, ट्रेन आ चुकी थी, कोच नंबर S7 सीट नंबर 58। पापा मुझे मेरी सीट पर बैठा के जा रहे थे, मैंने भी उन्हें बाय कहा। ट्रेन चलने से पहले पापा वहाँ से जा चुके थे, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने के लिए साथ वाले अंकल से पूछा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा लेकिन ये ट्रेन तो दिल्ली जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये दिल्ली से जाने वाली वाराणसी जाने वाली ट्रेन है, आज थोड़ा लेट हो गई है इसलिए थोड़ा देर में आई है। तो मैं तुरंत ही वहाँ से उस ट्रेन से उतरा। अच्छा, एक्साइटमेंट में ना मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, तो ऐसे मूत्र विसर्जन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था उस वक्त। तो मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ा, वहाँ मैंने देखा कि पापा खड़े हुए हैं, पापा खड़े होकर फूट फूट के रो रहे हैं।
उन्होंने मुझे शीशे में देखा, मैं पीछे खड़ा हुआ था, वो मुझे शीशे में देख रहे थे, मैं उनकी आंखें शीशे से देख रहा था। शायद आज भी मैं इंडिया के सभी बच्चों की तरह अपने पापा से नजरें ना मिला पाऊं, लेकिन पता नहीं उस मोमेंट में क्या जादू था, वो पीछे मुड़े, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले लगा लिया। उन्होंने रोते रोते कहा कि हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं और जेलर साहब दोनों गले लग के रो रहे थे। पीछे से अनाउंसमेंट वाली आंटी ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी है, टिंग टिंग टिडिंग, गाड़ी संख्या 14258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। थैंक यू।